है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं देसी पीएसपी ब्लॉग। आज आपको मैं लेकर आया हूं कहीं घुमाने, मतलब कहां, ये तो आप देख के ही पता लगा सकते हैं कहां पे लेकर आया हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं आपको गोंडा जंक्शन घुमाने, पूरी आज गोंडा की सैर कराऊंगा। तो आप देख सकते हैं पीछे मेरा गोंडा जंक्शन, देख सकते हैं हम गोंडा जंक्शन पहुँच चुके हैं। अभी हम चलेंगे इसके अंदर, प्रवेश द्वार यहीं से है, देख सकते हैं। तो चल रहे हैं सीधा अंदर। तो ब्लॉग में बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, मतलब बहुत चीज़ें आपको दिखानी है, कुछ गोंडा की अच्छी और सच्ची चीज़ें। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तब लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है वो करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को यार वॉच पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि समझ तभी आएगा आपको जब वीडियो मेरा वॉच करोगे। तो अभी आपको मैं सारा यहाँ का रिव्यू दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये इंजन सामने दिख रहा है, अभी इसका मैं सीन दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत दिन से इजाजत नगर लिख रखा है ना, उसमें बार बार इसको जो है पार करना पड़ेगा, क्योंकि यार देख सकते हैं कि लगा हुआ है ये चढ़ने उतरने वाला, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पहुंच चुके हैं, ये तो यार वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और थोड़ा बहुत आवाज़ की अगर प्रॉब्लम आए तो यार इग्नोर करिएगा, और लेकिन वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। और अभी तो पहले सीधे मैं लेकर चलता हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी की ओर, जिधर इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी है मैं उधर लेकर चलता हूँ। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, पता करेंगे कि कितने का टिकट है प्लेटफॉर्म टिकट। सर नमस्ते सर, प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए सर, दे दीजिए। दे रहा हूँ सर, दे रहा हूँ। तो अभी जो है टिकट का पैसा दे दें, उसके बाद फिर चलेंगे आपको सीधा अंदर लेकर के, क्योंकि इलीगल काम नहीं करना है। तो गाइस, अगर कभी आप आते हैं प्लेटफॉर्म अगर घूमने, तो पहले आप टिकट ज़रूर ले लीजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच जी। आप अपना ब्लॉगिंग चैनल बना रहे हैं जी, बस लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। तो गाइस, ये टिकट तो हमने ले लिया है जैसा कि देख सकते हैं, और अभी हम चलेंगे, चलते हैं फिर उसके बाद में जो है दिखाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। चलते हैं इस तरफ, गाइस देख सकते हैं कि दादाजी मुझे मिल गए थे, तो इनसे मैंने थोड़ा बहुत राय तो ले लिया, मतलब किधर जाना था ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन उन्होंने बताया कि हाँ भैया आप उधर से घूम के जा सकते हैं। तो ठीक है, हम उधर से चलेंगे, इधर वाला रास्ता जो है बंद कर रखा है, पता नहीं क्यों, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम चलेंगे तो उधर से ही चलेंगे। और उसको जो है आपको मैं दिखाऊंगा वो सीढ़ी जो मैंने बताया था, और लिफ्ट भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। साथ एक बहुत बड़ा हादसा भी हो गया था थोड़ी देर पहले, पुलिस वालों ने मुझे, मतलब 3-4 पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया था, और मेरे फ़ोन और कैमरे और मतलब सारे कुछ छोड़ लिया था उन्होंने, छीन लिया था, और मुझे डांट फटकार भी लगाई, लेकिन मैंने उनसे थोड़ा जवाब सवाल किया, बातें किया, हमने बताया कि बहुत से चैनलों पर मैंने देखा प्लेटफॉर्म का टिकट पड़ा है, बोले कि जो पकड़ा गया वो रगड़ा गया, ऐसी बोली है इन लोगों की। और बस मेरी गलती क्या थी कि मैं मालगाड़ी की तरफ एक फ़ोटो कर रहा था, और मैंने उसको डिलीट भी कर दिया तुरंत उनके कहने पर, लेकिन उन लोगों ने मुझे वीडियो वहाँ पर शूट नहीं करने दिया। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद है, बहुत मेहनत किया, और यार इसमें पुलिस वालों को लोग ऐसे नहीं गाली देते हैं, मैं अब समझ गया कि गाली क्यों देते हैं आखिर, होते ही ऐसे कुछ हैं, कुछ पुलिस वाले तो ऐसे ही होते हैं जो गाली सुनने के लायक होते हैं। और मैं क्या बताऊँ यार, मैं एक सिंपल सी वीडियो बना रहा था, उसके लिए भी ये लोग रोकथाम लगा रखे हैं, मतलब फ़ोन छोड़ लिया, उसके बाद माइक भी छोड़ लिया, और बोलने लगे वीडियो यहाँ पर मत बनाओ, और मतलब फ़ोन जमा कराने लेकर गए, बोले कि अभी चल मैं तेरा क्या हाल हासिल करता हूँ, सारा कुछ उन्होंने धमकी बहुत ज़्यादा दी, और अनपढ़ साले आ जाते हैं एक से एक। तो गाइज, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो में बस इतना ही, और अभी आगे का सीन थोड़ा बहुत और दिखा दूँगा, क्योंकि यार ये हादसा, मतलब एक दो पुलिस वाले हों तो सही है, लेकिन 2-4-10 जने जब मिल जाते हैं ना, तो क्या ही बताऊँ यार। चलिए, तो यार वो सीन मैं दिखा नहीं पाया आपको।